हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीटर। कोडीटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग फाइनली देखने जा रहे हैं कि किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे web3.js की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ web3.js। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरह से कोड लिखा था, राइट। तो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने का सच में कोई मतलब नहीं है, तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए फिर उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस तरह की फाइल बनाई थी जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर भी कर दिया था, आई होप आपने वो देखी होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे मेनली अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल किया था और उसके थ्रू अपने ABI और बाइट कोड को जनरेट किया था, राइट। बट इस वीडियो में अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अपने इस कंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट को, जो अभी हम लोग फिर से कंपाइल करेंगे, उसको किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं अपने गनाश पे, जो हमारी लोकल ब्लॉकचेन होती है। तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोग करेंगे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद न्यू। ये सब चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं जब उन्होंने web3 शुरुआत की थी, राइट। web3.eth.contract और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, अपना ABI पास करेंगे, ठीक है। तो ABI हम लोगों ने ऊपर जनरेट किया ही हुआ है, तो हम इसको इसमें पास कर देंगे। अब इसके थ्रू क्या होगा, अब इसके थ्रू हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल है, एक तरह से पॉइंट करेगा हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से की है ताकि हम लोग उस पर एक तरह से पॉइंट कर सकें, ताकि उस पर हम लोग ऑपरेट कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग web3 का यूज़ करके जितने भी गनाश के अकाउंट हैं उसको क्या कर सकते हैं, एक तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अभी ऐसा क्या है, इससे मैं क्यों करा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा डॉट देन, अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, जावास्क्रिप्ट मतलब मैं कहूँगा JS6 का, तो वहाँ मैं उसी सिंटेक्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी घटाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कोड आपको याद नहीं करना है, सिंपली मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। आपको सिंपली जब भी इसको यूज़ करना होगा आप वहाँ पे जाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे और उसको लिख दोगे, तो याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो बस इसमें समझ लेना है कि हाँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है। बट हाँ, JS6 पढ़ना ज़रूरी है अगर आप web3 में वर्क करना चाहते हो। तो उसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जितने भी अकाउंट हैं अपने गनाश में उसको प्रिंट करा के देख लेंगे कि भाई हमारा गनाश से ये सही से कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अकाउंट्स और इसके बाद अकाउंट्स, और इसी में हम लोग प्रिंट करा देंगे अपने अकाउंट को, है ना, जो उन्होंने ऊपर लिया हुआ है अकाउंट्स को। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके बंद, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि हमारे गनाश से सही से ऑपरेट हुआ है कि नहीं, मतलब कनेक्ट हुआ है कि नहीं। मैं करूँगा इसे सेव और अपना गनाश में ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना गनाश ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे ये सारे एड्रेसेस अब मैं क्या करूँगा अपने कंसोल पे प्रिंट कराऊंगा। चलिए देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ओके यहाँ पे मैं सेव कर लूँ इसे। अपना टर्मिनल हमने ओपन कर लिया है, सिंपली हमें लिखना है नोट और अपने वेब न्यू का नाम, राइट। मैं करूँगा इंटर, देखते हैं कि हमारी सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर मैंने देखिए कुछ लग रहा है मिस्टेक, ये मैंने क्या मिस्टेक कर दी, ओके मैंने यहाँ पे गड़बड़ ये कर दी है कि यहाँ पे गेट लगाना मैं भूल गया, ऐसे लगाना मैं चेक करना ज़रूरी होता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है ये। क्योंकि मैं करता हूँ फिर से एक बार रन, आई होप आप सब वर्क कर जाएगा, वंडरफुल। ठीक है, देखिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास सारे अकाउंट्स जो गनाश के हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे गनाश में यहाँ पे, वो सारे अकाउंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही से वर्क कर रहा है, मतलब हमारा web3 कोड सही से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक कोई अकाउंट ले लेंगे, मतलब ये जो अकाउंट हम लोगों ने देखे गनाश के, राइट, इसमें से कोई एक अकाउंट ले लेंगे जिसके थ्रू हम अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कराना चाहते हैं, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने देखी है जब हम लोग रिमिक्स आईडी में भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कराते थे, तो उसमें एक अकाउंट को चूज करना पड़ता था, राइट। क्योंकि जब जो भी एड्रेस डिप्लॉय करेगा अकाउंट को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को, उसको कुछ अमाउंट ऑफ गैस फीस देनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें से हम एक पर्टिकुलर अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो जो हमने अभी देखा वो एरे थी, अभी कंसोल पे जो हमने देखा लिस्ट ऑफ एरे थी, मतलब लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स थे एरे में। अब उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट फेच कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा अकाउंट्स और ज़ीरो, मतलब मैंने क्या किया, इंडेक्स ज़ीरो वाले अकाउंट को यहाँ से फेच कर लिया। मैं यहाँ पर इसको डिक्लेयर भी कर रहा हूँ डिफॉल्ट अकाउंट, ठीक है, ओके। तो इसके थ्रू हमारे पास जो डिफॉल्ट अकाउंट है, मतलब जो अकाउंट ज़ीरो है, एक तरह से मतलब कि जो ये अकाउंट है इसका जो एड्रेस है हमारे
डिफॉल्ट अकाउंट में आ गया, मतलब हम इसी अकाउंट की हेल्प से अब क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और चाहें तो इसको भी हम लोग प्रिंट करा के देख सकते हैं, डिफॉल्ट अकाउंट को भी। यहाँ पे मैं करा दूंगा डिफॉल्ट अकाउंट, इससे आप देख भी पाएंगे कि हाँ हमारा डिफॉल्ट अकाउंट कौन सा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा डिफॉल्ट अकाउंट, ठीक, ये स्टेप भी हो गया हमारा। अब हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस बनाया था, अब हम इसी का यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट डॉट। अब हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहते हैं, डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा डिप्लॉय। अब यहाँ के बाद से कोड मैं कहूँगा थोड़ा मैसी होने वाला है। मैसी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं JS6 के सिंटेक्सिस का यूज़ करूँगा, जिसमें डॉट देन का यूज़ होगा, डॉट सेंड होगा, डॉट ऑन होगा, मतलब ये तो डेफिनेटली वेब 3 में आ जाता है कुछ चीज़ें तो। मगर यहाँ पे थोड़ा ये मैं कहूँगा टिपिकल होने वाला है, ठीक है। मगर घबराना नहीं है, छोड़ नहीं देना है बीच में कि अरे समझ में नहीं आ रहा बंद करते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। मैं सारी चीज़ें एक एक स्टेप समझाऊंगा, बट स्टिल घबराना नहीं है, हाँ कि बस भाग लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, एक डेटा लूँगा और डेटा के अंदर अपने बाइट कोड को, क्योंकि हमें बाइट कोड की ही ज़रूरत होती है जब भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो इसीलिए मैंने उसका यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिप्लॉय करूँगा, और डिप्लॉय करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, राइट, मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर एड्रेस की ज़रूरत है जिसके थ्रू मैं इसको क्या करूँगा, डिप्लॉय करूँगा। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम, और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट में हम लोगों ने वैल्यू ली थी उसके थ्रू, मतलब उस एड्रेस के थ्रू इसको क्या करूँगा, डिप्लॉय करूँगा। और सिंपली यहाँ पे गैस अमाउंट, गैस क्योंकि कुछ अमाउंट गैस देनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50। अगर आपका गैस फेल होता है, लेट्स से अभी मैं डिप्लॉय करूँगा, अगर बाई चांस आपके में गैस फेलियर का मैसेज आता है, तो आप डेफिनेटली इस अमाउंट को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेट्स से अभी मैंने कितना लिया है, 50,000 लिया, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, एक और बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। अब सही, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे अपने, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो बाइट कोड हमने लिया, उसको हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिफॉल्ट अकाउंट जो हम लोगों ने ऊपर वैल्यू ली हुई है, तो होगा क्या कि ब्लॉकचेन, जैसे ही हम डिप्लॉय करेंगे तो ब्लॉकचेन हमें कुछ चीज़ें रिटर्न करेगा, जैसे कि इवेंट्स, जैसे हमारे ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस वगैरह वगैरह, क्योंकि हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, तो उसके रिफर में ब्लॉकचेन हमें कुछ चीज़ें रिटर्न करेगा एक तरह से, ठीक है। अब उन चीज़ों को हमें एक तरह से क्या करना है, आप समझ सकते हैं, होल्ड करना है या ऑप्टेन करना है, या कहूँगा मैं एक तरह से कैच करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली डॉट ऑन का यूज़ करेंगे। मैं इसको सेव कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सही से अलाइंड हो जाए, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपली मैंने डॉट सेव किया है, तो मैंने एक्चुअली में प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जिसके थ्रू ये चीज़ हो पाई, ठीक है। तो डॉट सेव के थ्रू ये अपने आप ही अलाइंड हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूँगा डॉट ऑन रिसीट। अभी ये स्टेप मैं समझाऊंगा, एक बार मैं इसको लिखूँ तो आपको समझने में आसानी भी होगी। डॉट रिसीट, मतलब रिसीट सीट। और मैं अब क्या करूँगा, सिंपली ओपन करूँगा, ठीक है। अब इस रिसीट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस रिसीट के थ्रू जो भी ब्लॉकचेन हमें, मतलब लेट्स से इस रिसीट के थ्रू ही आप समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है लेट्स से हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस रिसीट के थ्रू ही हम उसको एक्सेस करेंगे। और वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, यहाँ पे मैंने किया ये, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा रिसीट, ये सब कौन हमें दे रहा है, मैं फिर से कहूँगा कि हमारा ब्लॉकचेन हमें दे रहा है, बस हम उसका अब यूज़ करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेथड का, और इसके थ्रू क्या होगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट का जो भी एड्रेस होगा वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्लियर है, सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा उसे क्लोज, ओके डन। मैंने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स में आई थिंक गड़बड़ कर दिया, ओके मैं जो ये नहीं लगाना चाहिए, पहले से लग गया था, ठीक है। तो अब इस लाइन के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को रिफर कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन जो हमें कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे रहा है, हम उसको एक तरह से ग्रैब कर रहे हैं और कह रहे हैं उसको एक तरह से प्रिंट करा रहे हैं अपने कंसोल पे। तो ये चीज़ उन्होंने पहले स्टेप पे कर ली। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग बेसिकली एक और एक नया वेरिएबल लेंगे, डेमो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं डेमो लिख रहा हूँ, डेमो कॉन्ट्रैक्ट। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये भी हमें ब्लॉकचेन ही प्रोवाइड करेगा, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी जो बनाया हुआ है, राइट, यहाँ पे डेमो डॉट सॉल्व, इसके लेट्स से इस फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो हम यहाँ से कॉल करेंगे। और ये कैसे करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा डेमो कॉन्ट्रैक्ट
remove contract dot methods. अब मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा अपने x फंक्शन को डॉट कॉल, और इसके अंदर अब मैं डालूंगा, ये पूरा सिंटेक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली में, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। और अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली ये सब मैं कॉल बैक्स फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ये भी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, ये जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने की है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा जो भी वैल्यू हमें ब्लॉकचेन देगा जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमने जब कॉल किया इस मेथड के थ्रू, डेमो कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट एक्स डॉट कॉल, तो ये हमें जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम क्या करा रहे हैं, एक तरह से प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वैल्यू। आई नो मैंने कहा था ना शुरू में ही, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे मेसिंग अराउंड हो रही है, बहुत तरह की चीज़ें हो रही है, काफ़ी सारे कॉल बैक फंक्शंस हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये मेस करता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली डेटा को प्रिंट करा देना, तो यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट हो जाए। और मैं अब करूँगा इसे सेव, आई होप कुछ मिस्टेक मैंने नहीं की हो। तो बहुत ही सिंपल चीज़ की है, मतलब सिंपल इन द सेंस कि हाँ समझाना सिंपल है बट मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है। तो हुआ क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोगों ने सिंपली अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो इंस्टेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, राइट, हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट का ये इंस्टेंस क्रिएट किया था, इसी का यूज़ करके इसको हमने डिप्लॉय किया। फिर हमने क्या किया, इस मेथड का यूज़ करके अपने डिफॉल्ट अकाउंट जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था, डिफॉल्ट अकाउंट मतलब कि हमारा एक तरह से ये वाला एड्रेस, इसके थ्रू हमने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कराया। अब डॉट ऑन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ब्लॉकचेन हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमें कुछ चीज़ें वापस देगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें वो प्रोवाइड करता है। तो डॉट ऑन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको एक तरह से हैंडल कर रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है जो भी हमें आप दे रहे हो ब्लॉकचेन, एक तरह से आप इस तरह समझ सकते हो कि वो हमें रिसीट में दे दो। रिसीट के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने मेथड का यूज़ करके उसको एक्सेस कर लेंगे। तो और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डेमो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने मेथड को कॉल किया। तो अगर आपको ये सिंटैक्स जाना पहचाना लग रहा होगा आई बिलीव, जहाँ पे हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस बनाते थे और फिर क्या करते थे, मेथड्स डॉट एक्स फंक्शन, जो भी फंक्शन का नाम होता था उसको कॉल करते थे, और ये चीज़ हम लोगों ने की हुई है, राइट। तो ये वही सिंटेक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और सिंपली अब हमने क्या किया है, उसको जो भी वो रिजल्ट हमें देता है वो हमारे डेटा में आके सेव हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगा हुआ है, और वो डेटा का रिजल्ट हम क्या करते हैं, शो कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, बस इतनी चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक बार कंपाइल करके पहले एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ ना कर दी, तो एक बार इसको रन कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी कि मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, तो ये ऐसे ही है, उसके लिए परेशानी होगी। वंडरफुल, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने हमें डिफॉल्ट अकाउंट की वैल्यू दे दी, जो कि है अगर आप ध्यान से देखें तो यही है, राइट। इसने हमें बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है, जो भी डिप्लॉय हुआ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसका एड्रेस क्या है, उसने ये भी बता दिया। साथ ही साथ जब हमने फंक्शन को कॉल किया, जो एक्स फंक्शन को कॉल किया, तो उसने हमें वैल्यू रिटर्न 10 की, राइट, जो कि यहाँ पे थी भी, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वही 10 हमें क्या हुआ, रिटर्न हुआ, और हमने क्या किया, उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ही आप web3.js के थ्रू अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जब से ट्रफल आया है तो इतनी चीज़ें हमें करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ट्रफल आने के बाद हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। अगर आप देखेंगे तो ट्रफल जब हमने कोर्स किया था तो उसमें हमने सिंपली ट्रफल कंपाइल लिखा तो कंपाइल हो जाता था, डिप्लॉय करना होता तो डिप्लॉय हो जाता था, सारी चीज़ें बड़ी सिंपल थी, राइट, माइग्रेट के प्रोसेस के थ्रू ट्रफल के। तो अब इतना web3.js पे आपको इतनी हार्ड कोडिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, बट स्टिल कभी कभी होता है कि नहीं मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि मुझे स्क्रैच से बनाना है, मुझे मतलब पूरी चीज़ें करनी है, तब आप कहाँ आते हो, इस तरह के फॉर्मेट पर आते हो। बट इसमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने बताया, आप सिंपली इस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये पूरा वर्किंग कोड है, एकदम सही से वर्क कर रहा है। बस एक चीज़ आपको चेंज करनी होगी, जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो उसमें ही थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, अदरवाइज ये पूरा वर्किंग कोड है, एकदम बढ़िया कोड है, आप इसको कॉपी करो, पेस्ट करो और इसको रन कर सकते हो। तो यही है, ओके, और इसको याद नहीं करना है, फिर से कहूँगा, सिंपली इसको एज अ फॉर्मेट, एज अ स्ट्रक्चर बस अपने पास रखना है ताकि जब जरूरत पड़े तुरंत उसको पेस्ट किया और इसको यूज़ किया। एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ें देखी। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखी थी web3.js, web3.js क्या है इसके बारे में पढ़ा, उसके मॉड्यूल्स के बारे में बात की हम लोगों ने, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि web3.js किस तरह से क्रोम के साथ इंटरेक्ट करता है, इसको भी हम लोगों ने देखा कि क्रोम के थ्रू हम लोग किस तरह से एक्सेस करते हैं अपनी ब्लॉकचेन को, API बाइट कोड किस तरह से जनरेट करते हैं हम लोगों ने ये भी देख लिया, और किस तरह से कंपाइलेशन और डिप्लॉयमेंट होता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली। तो फाइनली हम लोगों ने अपने web3.js को पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ये कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने ये वीडियो भी कंप्लीट किया है तब भी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो पूरी तरह से हमारा web3.js का कोर्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो प्लस ये कोर्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या इस कोर्स में अच्छा लगा, क्या चीज़ आपने नहीं सीखी, तो मुझे सच में ये जान के काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ से कमेंट ज़रूर से करिएगा, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं बताऊँगा कि हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज रिलेटेड अपडेट और जो भी कोर्सेज हम लोग लेते हैं मतलब अपने अपने कोडिटर चैनल पे, उसको आपकी वोटिंग के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।